हेलो गाइस, आप सभी का बालों की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है कटहल की सब्जी बनाना। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कटहल की सब्जी बनाते हैं। कटहल बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम कटहल लिया है। इसको हमने अच्छे से धोकर काट लिया है और इसके हमने बीज अलग से छीलकर निकालकर इसमें डाल दिए हैं। और ये मैंने 4 प्याज लिए हैं, इनको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। इनको सबको मैं चॉपर में चॉप करूँगी। ये अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और ये मैंने 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली हैं। इन सबको मैं चॉपर में चॉप करूँगी, प्याज को नहीं करूँगी। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इन मसाले को इसमें चॉपर में डाल लूँगी। मैंने इनको चॉपर के अंदर डाल लिया है, अब मैं इनको चॉप कर लेती हूँ। और मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है और देखो कितने अच्छे से चॉप हो चुका है। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं गर्म होने दूंगी, प्याज को अच्छे से मैं भून लूंगी और प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूंगी। थोड़ा सा सौते कर लेंगे प्याज को हम, उसके बाद हम इसमें कटहल डाल देंगे। अब मैं इस टमाटर के मसाले में थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। नमक 1/2 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। और लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। गरम मसाला भी 1/2 चम्मच और ये मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। और इधर हमारे प्याज भी हल्के से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कटहल डाल दूँगी जिससे कि कटहल भी साथ ही भुन जाए। हम इस कटहल को फ्राई नहीं करेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमने कटहल को अलग से फ्राई नहीं किया है, ये प्याज के साथ ही भुन जाएगा। और ये हमारा कटहल भून कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे कि मसाला अच्छे से पककर तैयार हो जाए और हमारी कटहल भी अच्छे से गल जाए। मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पे ही पकने दूंगी इसको मैं। तो आइए चेक करते हैं। ये देखो हमारी कटहल का रंग कितना अच्छा आया है और ये बनकर भी तैयार हो चुकी है। देखो मैं इसका एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से गल कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी अच्छे से। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और सब्जी को मैं एक बाउल में सर्व करूँगी। और ये हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।